हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट दिया है. मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी. और ये पूरी चीज़ मॉड में है. मॉड में क्यों है? क्योंकि अगर वेक्टर ए बड़ा है तब तो ठीक है, चीज़ पॉजिटिव आएगी. लेकिन अगर वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी से कम होगी तो नेगेटिव आएगा, तो मेरे को पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इस पूरे को मॉड में रख दिया. ठीक है, डी वाले की मैं बात कर रहा हूँ. चलो इसको सॉल्व करते हैं. ये मैंने ट्राइंगल ले लिया है, इसको मैंने मान लिया वेक्टर ए, इसको मैंने मान लिया वेक्टर बी. अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कह रहा है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. ये हो गया माइनस वेक्टर बी इस तरफ, ठीक है, ओ ए बी सी, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी. इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे रहेगा ऐसा, ये इसका रिजल्टेंट है. तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको मैंने ओ डी मान लिया. इसको ज्वाइन कर दो इसके साथ, ठीक. तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये सी डी भी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए. अब देखते हैं इन ट्राइंगल ओ कौन सा, सी और डी. ओ सी डी ट्राइंगल अपन लेते हैं, ठीक है. देखो यहाँ क्या मिल रहा है. आपको पता है ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरे से बड़ा होता है. मेरे को वेक्टर ए माइनस बी, ये कौन सा साइड हो गया? ओ डी. ओ डी प्लस, अब यहाँ पे माइनस वेक्टर भी जा रहा है तो ये इधर आएगा तो प्लस आएगा, तो ये प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन किससे बड़ा होगा? ये सी डी से, ठीक. तो ओ डी कितना हो जाएगा? ओ डी इज ग्रेटर देन सी डी माइनस ओ सी. अब ओ डी, ओ डी किसके बराबर है? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. साफ साफ दिख रहा है, मॉडल से इसलिए लेना है क्योंकि मेरे को उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज. इज ग्रेटर देन सी डी, सी डी कितना है? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस ओ सी मॉड ऑफ माइनस वेक्टर बी. अच्छा, अब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का मॉडल्स क्या होता है? पॉजिटिव. तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन पूरा मॉडल्स मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी. ये माइनस का प्लस हो गया. बाहर मैंने मॉड क्यों लगाया, मैंने आपको समझा दिया वीडियो की शुरुआत में कि अगर मान लो बी बड़ा हो गया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. मुझे नेगेटिव तो चाहिए नहीं, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मॉडल्स लगा दिया बाहर. तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. फिर दूसरा बोला इक्वल टू. अब ये ग्रेटर देन वाला तो हो गया, अब इज इक्वल टू दिखाना. देखो यहाँ पे ये कब पॉसिबल है बेटा, इसमें थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखना. मान लो ये इस तरफ ये एक पॉइंट है ओ से ए, और ओ से ए दिखाता है वेक्टर ए, ठीक. फिर इसी पॉइंट ओ से आपको यहाँ पर सपोज एक ऐसा वेक्टर मिलता है, ये मैं लेता हूँ इधर, ये इस प्रकार मिलता है, ये इधर जा रहा है, इसका एंड ओ पर हो रहा है सपोज यहाँ से, ठीक है. ये मान लो, इसको मान लो ये ओ डैश मान लो और इसको बी मान लो, ये आपका वेक्टर बी हो गया क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है तो अपोजिट है, माइनस हो गया. कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, बट मैं अलग अलग आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. अब अगर मैं निकालता हूँ मॉड ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये अपोजिट है तो प्लस करूँगा तो माइनस आएगा, माइनस वेक्टर बी, ठीक. तो मतलब ये माइनस ये, तो कितना बचेगा? इतना डिस्टेंस बचेगा ये, इसको आप मान लो ओ बी सी मान लो सी ए. तो ये किसके बराबर होगा? सिंपल बराबर, किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी. अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी. कहने का मतलब सिंपल है, ये लेंथ आपको कब मिलेगी? जब आप इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दोगे तो आपको ये लेंथ मिलेगी, तो वही चीज़ मिल गई. तो ये पहली कंडीशन हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू. तो इक्वेशन वन और टू को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय.